जय हिंद साथियों, अपना टॉपिक चल रहा है रोग के बारे में। किसके बारे में चल रहा है? डिजीज के बारे में। तो मैंने आपको कहा कि अपने सिलेबस के अंदर मैं यूं कहूंगा कि लिस्ट ऑफ डिजीज होती है, रोगों की एक यूं कहूंगा सूची होती है बहुत बड़ी, और उन सारे रोगों के नाम अपन याद कर पाना, मैं यूं कहूंगा कि सारा माल मसाला साथ में हो जाता है। अपने पता नहीं हो पाता है कि ये रोग है वो विषाणु से होगा या बैक्टीरिया से होगा, यानी जीवाणु से होगा, कवक से होगा या परजीवी से होगा। यानी कि मैं यूं कहूंगा कि पॉइंट एक ऐसा है कि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, कंफ्यूजन हद से ज्यादा है। यानी अपने को पता नहीं लग पाता है कि कौन सा रोग किस कारण से होता है, किस अंग को प्रभावित करता है, रोग का नाम क्या है, कईयों के उपचार भी याद रखने होते हैं अपने को, तो अपन कंफ्यूजन में चलते हैं। इसलिए मैंने आपको रोग की एक क्लास में पढ़ाया कि अपन उन रोगों की लिस्ट को एक ट्रिक से समझते हैं। बोलो क्या बोला था? अपन उन रोगों की पूरी लिस्ट को एक ट्रिक से समझते हैं, एक यूं कहूंगा इंटरेस्टिंग लाइन बना लेते हैं और उस लाइन में उन सारे रोगों को लिस्ट कर लेते हैं, उससे अच्छे समझ में आता है। और आया भी था अपन को विषाणुओं के बारे में, अभी तक अपन ने रोगों का पढ़ लिया, और बैक्टीरिया के बारे में यानी जीवाणुओं के बारे में अभी तक पढ़ लिया। अब दो और मेजर टॉपिक आते हैं रोगों से रिलेटेड ही, वो कौन से हैं भैया? एक तो आता है आपका परजीवी से होने वाले रोग, पैरासाइट से होने वाले डिजीज, और दूसरा आता है आपका कवक से या फंजाई से होने वाले रोग। तो देखते हैं अपन सबसे पहले कौन सा, परजीवी से होने वाले रोग। क्या लिखूंगा मैं यहां लिखूंगा परजीवी जनित। क्या लिखेंगे भैया? परजीवी जनित रोग। अरे परजीवी क्या होता है? सूक्ष्म जीव होता है, परजीवी जनित रोग। और यूं कहूंगा कि परजीवी का मतलब होता है दूसरों पर जीवित रहने वाले जीव, क्या कहलाते हैं? परजीवी। दूसरों पर आश्रित रहने वाले क्या कहलाते हैं? परजीवी। अब सेम वही बात है भैया कि अपन इन परजीवी से होने वाले रोगों की भी एक ट्रिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यूं बता दूं कि इन रोगों की या परजीवी की जो खोज करी थी एक हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कहां के थे? हॉलैंड के वैज्ञानिक थे। कौन थे वो? उनका नाम आता है ल्यूवेन हॉक। क्या नाम आता है? ल्यूवेन हॉक। और आप सब लोग जानते हैं कि ल्यूवेन हॉक कौन होते थे। आपको बताया कि सबसे पहले जीवित कोशिका को देखने वाले वैज्ञानिक ल्यूवेन हॉक थे, और 1685 के अंदर इन्होंने परजीवी की खोज करी थी। 1685 के अंदर इन्होंने किसकी खोज करी थी? परजीवी की खोज। कहां के थे? हॉलैंड के। ये तो एक बेसिक सी नॉलेज की बात थी। अब अपन देखते हैं परजीवी से होने वाले रोग। तो परजीवी से होने वाले रोगों के लिए वही सेम बात अपन एक लिख लेते हैं ट्रिक। क्या लिख लेते हैं भैया? एक ट्रिक लिख लेते हैं, और इस ट्रिक के बेसिस पर अपन क्या पढ़ेंगे? परजीवी से होने वाले रोग। तो सबसे पहले ट्रिक का नाम है, इन्वर्टेड कॉमा में लिख दे रहा हूं मैं, और अलग कलर की चौक से लिख दे रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ट्रिक है पापा। ट्रिक क्या है? पापा काम पे, पापा काम पे सोते हैं। क्या है ट्रिक? पापा काम पे सोते हैं। अरे भैया अदरवाइज मत बना लेना, पापा काम पे नहीं सोते हैं, पापा ही पैसा लाते हैं तभी अपन मजे कर रहे हैं। बात आ रही है कि समझ में? ये तो ट्रिक है, अदरवाइज नहीं लेना इस चीज को। ये तो इसलिए है कि अपन अपने सिलेबस की उलझनों को मिटा सके, अपन अपने टॉपिक को क्लियर कर सके। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो बाकी इसका कोई और मीनिंग नहीं निकालना है या किसी चीज से कंपेरिजन नहीं करना है। तो अपना आता है पापा काम पे सोते हैं। तो अपने को इस ट्रिक से क्या करना है? परजीवी से होने वाले रोगों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, एक तरफ मैं लिखूंगा क्या? रोग। एक तरफ तो अपन उस रोग का नाम लिखेंगे, और दूसरी तरफ अपन क्या लिखेंगे? अंग। अंग मतलब क्या? उससे कौन सा अंग प्रभावित होगा, शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा। और एक तरफ अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? कारण। क्या लिख सकते हैं? कारण। पर वो ब्रैकेट में बनाऊंगा ही नहीं, आपको तो बस वही चीज है कि मेनली आपको रोग का नाम पता होना चाहिए और प्रभावित अंग पता होना चाहिए। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? तो सबसे पहली बात, इस पापा जो लिखा हुआ है, पापा लिखा हुआ है, इसका अर्थ क्या होगा? इस ट्रिक से क्या अर्थ निकलेगा? तो इसका मतलब होता है पायरिया। क्या होता है भैया? पायरिया। इसका मतलब होता है पायरिया। अरे इस पूरे पापा नाम वर्ड का मतलब क्या होता है? पायरिया होता है। और ये किसको प्रभावित करेगा? मसूड़ों में दांतों को। किसको प्रभावित करेगा? मसूड़ों व दांतों को। किसको प्रभावित कर दिया भैया? मसूड़ों में दांतों को प्रभावित कर दिया। बोलो बात समझ में आ रही है क्या? अब ये होता क्यों है? ये विटामिन सी की कमी से होता है। याद करो जब मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाया था, जब मैंने भोजन के बारे में पढ़ाया था, संतुलित भोजन बैलेंस डाइट के बारे में बताया था, तो मैंने कहा था
कि आपके दांतों का, दांतों या मसूड़ों से खून का निकलना, आपके मसूड़ों का फूल जाना एक बीमारी का नाम बताया था, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से। तो जब आपके शरीर में लंबे समय तक विटामिन सी की कमी रह जाती है तो आपको एक रोग हो जाता है, उस रोग का नाम है पायरिया, जिस जो मसूड़ों या दांतों की बीमारी है विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट आप बोलोगे सर इस पापा नाम का वर्ड मतलब हमें समझ में आ गया, आप इस का मतलब समझाओ। किसका मतलब समझाओ? इस का मतलब समझाओ। तो भैया का मतलब होता है काला जार। क्या होता है का मतलब? काला जार। काला जार एक बीमारी है। इस काला जार बीमारी के बारे में बोलते हैं कि ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है। किसकी बीमारी है भैया? ये तंत्रिका तंत्र की बीमारी है, नर्वस सिस्टम की बीमारी, यानी आपके ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, मस्तिष्क से रिलेटेड बीमारी है। फैलती किससे? मक्खी से फैलती है। मैं बोल रहा हूँ भैया, मैं तीसरा कॉलम नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं तीसरा ब्रैकेट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ दो चीजें बता रहा हूँ। एक तो आपको अंग बताए चल रहा हूँ कि कौन सा अंग आपका खराब होगा, ऑर्गन डैमेज होगा, और दूसरा रोग का कि कौन सा रोग है। बस अपन कौन सी चीजें क्लियर करते चल रहे हैं? खाली रोग का नाम और दूसरा क्या उससे प्रभावित अंग। तो पहली दूसरी बात क्या कि एक रोग का नाम आता है काला जार, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगा, मक्खी से फैलता है। नेक्स्ट सर मे का अर्थ बता दीजिए। यस बिल्कुल, मे का मतलब होता है मलेरिया। क्या होता है मे का मतलब? मलेरिया होता है भैया, याद रख लेना, मे का मतलब होता है मलेरिया। और मैं इसके लिए बात करूंगा, ये आरबीसी को प्रभावित करता है। किसको? आरबीसी को, अरे हिमोजोइन नाम का पदार्थ वहां स्रावित कर देगा, आरबीसी को प्रभावित करता है। ये लीवर को भी प्रभावित करता है। अरे भैया किसी को अगर मलेरिया होता है तो वो आरबीसी को डैमेज कर सकता है, वो लीवर को डैमेज कर सकता है, वो साथ ही साथ आपके जिगर को यानी प्लीहा को भी डैमेज कर सकता है। बात क्लियर है क्या? बात आती है कि सर मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया रोग का रोग जनक तो है प्लाज्मोडियम। क्या है? प्लाज्मोडियम है। मैं फिर से आपका बहुत बड़ा डाउट या बहुत मेजर डाउट जो है वो क्लियर कर रहा हूं। कई लोग सोचते हैं कि मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर से होता है। किससे होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर से। गलत बात। मलेरिया का रोग जनक पैथोजन जो है वो तो है आपका प्लाज्मोडियम परजीवी, प्रोटोजोवा बोल सकते हैं मनुष्य को, और उसका जो वाहक है, आप लोग सर वाहक क्या होता है, कैरियर क्या होता है? तो भैया अगर किसी एक रोग को दूसरी जगह फैलाने का काम कोई कर रहा है, या किसी चीज को या किसी काम को फैलाने का काम कर रहा है, वो होता है वाहक। दलाल नाम नहीं सुना है क्या? वैसे ही ये मादा एनोफिलीज मच्छर तो एक जने से दूसरे जने को, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को संक्रमित करता है। तो ये जो मादा एनोफिलीज मच्छर होता है ये तो होता है वाहक, और प्लाज्मोडियम होता है इसका रोग जनक। बोलो बात समझ में आई क्या? यानी अगर आपको पूछे मलेरिया किससे होता है तो आप बोलना मलेरिया रोग पैदा करने वाला तो है प्लाज्मोडियम, और मादा एनोफिलीज मच्छर जो है वो तो फैलाएगा। बात को समझना, दो बातें हैं यहाँ पे, मलेरिया पैदा करने वाला प्लाज्मोडियम है और मलेरिया को फैलाने वाला मादा एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया किसको प्रभावित करता है? आरबीसी को, रेड ब्लड सेल को प्रभावित करता है, लीवर को करता है, और प्लीहा को करता है। बोलो बात क्लियर है क्या? और इतनी अगर बातें समझ में आती है तो फिर आता है पे। इस पे का मतलब क्या होता है? तो देखना, इस पे का मतलब होता है पैचिस। क्या होता है भैया? इस पे का मतलब होता है पैचिस, और इस पैचिस का मतलब होता है दस्त लगना। और आपको पता है पैचिस किससे रिलेटेड है? आमाशय या आंत्र से रिलेटेड है। किससे भैया? आमाशय कोमा आंत्र, अरे आपकी पाचन तंत्र से, स्टोमक से या इंटेस्टाइन से रिलेटेड बीमारी है। कौन? पैचिस। नेक्स्ट आता है सोते हैं। क्या आता है? सोते हैं। तो भैया इस सोते हैं का मतलब मैं यूं कहूंगा इस पूरे वर्ड का, इस पूरे ट्रिक में इस पूरे वर्ड का ही एक मतलब है। इस पूरे वर्ड का एक, सोने का मतलब क्या होता है? नींद लेना। तो इस सोते हैं का होगा निद्रा बीमारी। क्या होगा? निद्रा रोग। समझना, इसका मतलब होगा निद्रा रोग। आप बोलो सर निद्रा रोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसोमेनिया। क्या बोलते हैं? इंसोमेनिया। अब आपको इतना तो पता ही है कि ये निद्रा रोग है तो किस ग्रंथि से रिलेटेड है? ये पीनियल ग्रंथि से रिलेटेड है। किससे है भैया? ये पीनियल ग्रंथि से रिलेटेड रोग है। बोलो बात क्लियर है क्या? तो समझना, मैं फिर से आपको बात बता देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं एक रोगों का टॉपिक, एक डिजीज का टॉपिक।
और आप सबको पता है कि जब अपन रोगों का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो इस टॉपिक के अंदर इतने सारे रोग आएंगे, इतने सारी डिजीज आएगी कि उनको इकट्ठी याद रखना मुश्किल है। अगर याद कर लोगे, रट लोगे तो आपके रायता फैल जाएगा, सारी मिक्स हो जाएगी, पता नहीं चलेगा कि कौन सा रोग किस अंग को प्रभावित करता है, कौन सा रोग विषाणु से फैलता है, कौन सा रोग जीवाणु से, कौन सा परजीवी से फैलता है। इसलिए हम लोगों ने एक आपके लिए बहुत ही मेहनत से ट्रिक बनाई है, और उस ट्रिक से ऐसा है कि आपके दिमाग में जैसे आवर्त सारणी की ट्रिक होती है ना कि हर भजन ने आकर जीरो रन बनाया, इससे आप अक्रिय कैसे याद कर सकते हो, वैसे ही अपन यहाँ कुछ एक ट्रिक बना करके लाए हैं। उस ट्रिक से आप सिंपल वे में इन रोगों का क्या कर सकते हो, वर्गीकरण कर सकते हो, यानी कि आप इस ट्रिक को समझ लोगे। और सीधी सी बात है कि ट्रिक जो बनी हुई है वो अपने डेली लैंग्वेज में बनी हुई है, इंटरेस्टिंग वे में बनी हुई है, तो ये तो आपके दिमाग में रहेगी रहेगी। और जब ट्रिक दिमाग में सेट है तो उन वर्ड्स को पकड़ के आप उनका नाम बनाओगे और उसके रोग का नाम याद रहे। जैसे आपको परजीवी से होने वाले रोगों के बारे में एक मिनट लगा होगा, पूरा पूरा याद हो गया कि पायरिया होगा, पापा का मतलब होगा पायरिया, मसूड़ों दांतों से रिलेटेड है, का मतलब कालाजार होगा, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है, माँ का मतलब मलेरिया होगा, क्या होगा मलेरिया जो आरबीसी लीवर और प्लीहा को संक्रमित करेगा, साथ ही साथ ये मलेरिया जो रोग है वो प्लाज्मोडियम से तो होता है और मादा एनोफिलीज मच्छर से फैलता है। नेक्स्ट पे का मतलब पेचिस है, अमाश्य और आंत्र से रिलेटेड है, सोते हैं का मतलब निद्रा रोग है, इंसोमेनिया बोलते हैं, पीनियल ग्रंथि से रिलेटेड रोग है। तो नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आता है वो है कवक से होने वाले रोग। समझना भैया, अपन ने पढ़ लिया है वायरस से होने वाले रोग, मैंने अभी तक आपको क्या पढ़ाया, वायरस से होने वाले रोग, और क्या पढ़ाया, जीवाणु से होने वाले रोग, और फिर क्या पढ़ा अपन ने, परजीवी से होने वाले रोग, पैरासाइट से होने वाले रोग। अब अपने क्या बचा है, लास्ट एंड फाइनल मैं यूं कहूंगा एक छोटा सा टॉपिक है कवक से होने वाले रोग, फंजाई से होने वाले रोग। तो समझना बात को, मैं यहां लिखूंगा कवक जनित रोग, क्या लिखूंगा मैं, कवक जनित रोग, जनित मतलब उत्पन्न होने वाले, कवक मतलब फंजाई, कवक जनित रोग। अब आप भी समझ गए होंगे, अच्छा किसी को अगर कवक नाम नहीं सुना हुआ है तो भैया मैं लिख देता हूं, कवक के लिए इसको बोलते हैं फंजाई, क्या बोलते हैं इसको, फंजाई बोलते हैं। बोलो बात क्लियर है क्या, कवक या फंजाई जनित रोग, बोलो समझ में आ रहा है क्या। अपन स्टार्ट करते हैं वही बात सेम, कि एक तरफ तो लिखेंगे अपन रोग, एक तरफ अपन लिखेंगे अंग, यानी रोग का नाम और प्रभावित अंग का नाम। बोलो बात समझ में आ रही है क्या, तो देखना एक तरफ लिखा अपन ने रोग, एक तरफ अपन ने लिखा है अंग, और वही बात कि सर इसकी ट्रिक क्या है, तो भैया देखना इसकी ट्रिक पे थोड़ा सा नजर लगाना, आपके इसके लिए ट्रिक कौन, वही बात है रोगों का टॉपिक चल रहा है, अपन सीधे रोग नहीं पढ़ेंगे, अपन तो ट्रिक के फॉर्म में पढ़ेंगे, क्यों, क्योंकि ट्रिक से हमें याद आसानी से रहता है। तो ठीक है देख लेते हैं इसकी ट्रिक है अपने गंजा, क्या है ट्रिक, गंजा दामाद, गंजा दामाद खाए फुट, आप बोलोगे सर ये क्या है, तो देखना अरे गंजा दामाद होगा वो लात ही खाएगा ना, देखना शॉर्ट ट्रिक है अपने कवक जनित रोगों को पढ़ने की, कोई अदरवाइज ना लें इस चीज को, कोई भी इसका गलत मीनिंग नहीं निकालें, अपने को अपने सिलेबस की उलझनें खत्म करनी है, अपने को इस रोग के टॉपिक को समझना है। तो देखते हैं आपके ट्रिक है गंजा दामाद खाए फुट, तो समझते हुए चलते हैं। सबसे पहला रोग उठाते हैं गंजा, कौन सा है, इस पूरे एक शब्द का मतलब है क्या, गंजापन, इस रोग का नाम क्या है, इस रोग का नाम है गंजापन, इस रोग का नाम क्या भैया, इस रोग का नाम है गंजापन। ये किसका रोग है, ये बालों का रोग है, किसका डिजीज है, बालों का या खोपड़ी का डिजीज है, बोलो बात क्लियर है क्या। अब मैं ये नहीं बोलूंगा इसमें कि ये कवक से होता है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये कवक से होता है, आपको ही पता है भैया अपन पढ़ क्या रहे हैं, कवक जनित रोग, फंजाई जनित रोग,
और ट्रिक है गंजा दामाद खाए फुट, तो इस गंजे का मतलब होता है, बीमारी का नाम है गंजापन, और ये बालों से या खोपड़ी से रिलेटेड बीमारी है, और ये एक तरह का रोग क्या है, अनुवांशिक डिजीज है। क्या है ये? जेनेटिक प्रॉब्लम है, अनुवांशिक बीमारी है, यानी ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलने वाली बीमारी है। अगर किसी के मैं यूं कहूंगा कि पीढ़ी में चली आ रही है कि उसका दादाजी गंजे थे तो उसके पिताजी गंजे हैं, वो खुद गंजा है, दैट मीन्स ये पीढ़ी से पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होने वाला अनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट बात आती है गंजा के बाद दामा, ये अपन ये उठा रहे हैं दामा, क्या उठा रहे अपन दामा, तो इस दामा का मतलब होता है दमा, क्या होता है दमा, और इसी को बोलते हैं अस्थमा, क्या बोलते हैं इसी को अस्थमा, और आप सबको पता है श्वसन से संबंधित रोग है, श्वसन क्रिया से संबंधित रोग है, यानी कि किसकी डिजीज है भैया, फेफड़ों की डिजीज है, किसकी डिजीज है, फेफड़ों की है, और इसमें होता क्या है, जो फेफड़ों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है, मैंने आपको बताया था फेफड़ों की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई का नाम क्या नाम था, वो एल्वियोलाई, कुपिका, तो कुपिका के अंदर अवरोध उत्पन्न हो जाता है जिससे आपको सांस लेने में कठिनाई होगी, श्वास फूलेगी, खर खर की आवाज आएगी सांस में, खांसने की प्रॉब्लम होगी, और पंप से वो सांस लेते हैं, आपने देखा होगा किसी मूवी में या किसी रिलेटिव को, तो वो कौन सी डिजीज होती है भैया, दमा या अस्थमा, बोलो बात क्लियर है क्या, गंजा से उठाना है गंजापन, दामा से उठाना है दमा, और इस दह से उठाना है, ये एक दह सिंगल वर्ड है, इस शब्द से उठाना है दाद, क्या उठाना है दाद, और आप सबको पता है दह का मतलब दाद होता है, इसको बोलते हैं रिंग वर्म, क्या बोलते हैं रिंग वर्म मतलब क्या दाद, किससे होता है भैया, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, अपना टॉपिक चल रहा है कवक से होने वाले रोग, तो ये त्वचा की बीमारी है, किसकी बीमारी है त्वचा की, स्किन की प्रॉब्लम है, क्या दाद हो जाना, शरीर पर दाद के निशान हो जाना, खुजली चलना, बोलो क्लियर है क्या, ये कुत्ते से बिल्ली से फैल सकता है, पिस्सू से फैल सकता है, पिस्सू क्या होता है, एक छोटा सूक्ष्म जीव होता है, चिंचड़ी टाइप नहीं होता है क्या, जो भैंसों के गायों के ऊपर लगी होती है चिंचड़ी, तो छोटे सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको पिस्सू बोलते हैं, छोटा एक सूक्ष्म जीव होता है, उससे आप रोग फैल सकता है, कौन सा दाद वाली बीमारी। अब गंजा से उठाया गंजापन, दामा से उठाया दमा, देह से उठाया दाद, तो इस खाए से क्या उठाएंगे, इस खाए से क्या उठाएंगे, अपना चल रहा है कवक जनित रोग का, तो मैंने कहा गंजा दामाद खाए फुट, तो समझते हुए चलना, इस गंजा का मतलब तो हो गया गंजापन, दामा का मतलब हो गया दमा, दह का मतलब हो गया दाद, और इस खाए का मतलब कुछ भी नहीं है साथियों, ये खाए तो ट्रिक बनाने के लिए है, इसका इस ट्रिक में या यूं कहूं रोगों में कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट अपना वर्ड आता है फुट, क्या आता है नेक्स्ट वर्ड फुट, और फुट वाले इस रोग का नाम है एथलीट फुट, क्या नाम है एथलीट फुट, अरे एथलीट फुट को हाथी पांव रोग भी बोलते हैं, कौन सा रोग बोलते हैं इसको हाथी पांव रोग, हाथी पांव रोग क्या होता है भैया, हाथी पांव रोग का मतलब होता है एक पैर या एक हाथ का बहुत ज्यादा यूं कहूंगा अत्यधिक लार्ज हो जाना, बहुत बड़ा हो जाना, एक पैर या एक हाथ जो है बहुत ज्यादा बड़ा हाथी के जैसा हो जाता है, तो ये भी किससे होने वाला रोग है आपके कवक से होने वाला रोग है। लिख सकता हूं मैं एक हाथ, क्या लिख सकता हूं मैं एक हाथ व एक पैर की डिजीज या एक पैर का रोग, एक पैर का रोग, एक पैर का रोग, ये हुई आपके कवक से होने वाले रोगों की बात खत्म। सुनना अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, मैं आपको बता देता हूं, अपन पढ़ रहे थे किसके बारे में, रोगों के बारे में, ढेर सारे रोग थे जिनको एक साथ पढ़ पाना मुश्किल था, याद रहने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए अपन ने रोगों की क्या बना ली, ट्रिक बना ली। पहले सबसे पहली क्लास में अपन ने डिस्कशन किया वायरस से होने वाले रोगों के बारे में, नेक्स्ट क्लास में अपन ने डिस्कशन किया जीवाणु से होने वाले रोगों के बारे में, और अभी अपना टॉपिक चल रहा था पहले तो परजीवी से होने वाले रोग, और अब चल रहा है कवक से होने वाले रोग। मैंने कहा मेनली तीन चार जनित मतलब बीमारियां ही होती है, वायरस जनित होती है, जीवाणु जनित होती है, परजीवी जनित होती है, कवक जनित होती है, एक हेलमिंथ जनित होती है। तो अभी तक अपन ने सारी ट्रिकों के माध्यम से इन रोगों के बारे में अध्ययन किया, स्टडी करी अपन ने, अब आप इन रोगों को नहीं भूलोगे, क्यों, क्योंकि एक ट्रिक के हिसाब से आपके दिमाग में बात सेट हो चुकी है। अब ये जो आपने ट्रिक पढ़ी थी, इस ट्रिक से आपको मैंने बता दिया कि गंजा का मतलब गंजापन उठाना है, दामा का मतलब दमा उठाना है, देह का मतलब दाद उठाना है, इस खाए का कोई मतलब नहीं है भैया, और इस फुट का मतलब होता है एलिफेंटियसिस या हाथी पांव रोग। एक और छोटा सा टॉपिक है जो अपन पढ़ लेते हैं,
कई बार पूछ लिया जाता है हेलमिंथ मतलब होता है क्रमी, हेलमिंथ जनित रोग, हेलमिंथ जनित रोग। अब ये हेलमिंथ जनित रोग क्या है, इसके लिए भी एक ट्रिक है भैया, छोटी सी छोटा सा दो ही नाम के रोग हैं इसके अंदर अपने सिलेबस में। हेलमिंथ जनित रोग ट्रिक क्या है, डायरी, डायरी या फाइल, क्या है डायरी या फाइल। आप बोलोगे ये क्या है सर, तो समझना इस डायरी का, अच्छा इस पूरे वर्ड को उठाना भैया, अब इस पूरे वर्ड को उठाना है ना कि शब्द को, वर्ड पूरा ले लिया आपने डायरी, इस डायरी का मतलब होगा डायरिया, क्या होगा रोग का नाम डायरिया, और आप सब समझ गए होंगे आमाशय आंत्र से रिलेटेड रोग है। किससे रिलेटेड है भैया, आमाशय व आंत्र से रिलेटेड रोग है। अगर आपसे सवाल पूछे पेचिस किससे होता है, पेचिस आपको मैंने आमाशयांत्र से रिलेटेड रोग बताया था जिसमें दस्ते लगेगी, डायरिया में भी दस्ते लगेगी, उल्टी होगी, लेकिन डायरिया तो होता है किससे, डायरिया तो होता है हेलमिंथ से, और पेचिस होता है परजीवी से। परजीवी का प और पेचिस का पे मिला लेना, परजीवी का प और पेचिस का पे मिला लेना, और हेलमिंथ से होने वाला रोग है आपका डायरिया। नेक्स्ट रोग जो आता है आपके, मैंने आपको कहा हेलमिंथ से होने वाले दो ही रोग हैं, तो नेक्स्ट आपका आता है कौन सा, पहला डायरिया आ गया डायरी से डायरिया, और दूसरा फाइलेरिया, दूसरा फाइल से होगा फाइलेरिया, फाइल से कौन सी डिजीज। अच्छा इस या का कोई मतलब नहीं है भैया, इस या का कोई मतलब नहीं है, आपको डायरी से उठाना है डायरिया, फाइल से उठाना है फाइलेरिया। फाइलेरिया किसका रोग है, पैर का, किसका है पैर का रोग, पग का रोग है। बात क्लियर है क्या, मैं आपको फिर से बता दूं, अपना टॉपिक चल रहा था रोग का, रोगों को ऐसे पढ़ पाना मुश्किल था, ट्रिक के हिसाब से पढ़ा, विषाणु से होने वाले रोग पढ़े 12-13 जो भी थे, जीवाणु से होने वाले 12-13 जो भी रोग थे पढ़ा अपन ने, परजीवी से होने वाले रोगों की ट्रिक अपन ने बनाई थी, और कवक से होने वाले रोगों की ट्रिक भी अपन ने बना ली। अगर इतनी अगर आपको बातें समझ में आती है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, रोगों से होने वाले जो भी बनने वाले क्वेश्चन हैं, रोगों के बिहाफ पे जो भी बनेंगे, वो अगर आपने ये दो क्लासें ले ली है रोगों से रिलेटेड दो ही क्लासें हैं, अगर आपने इन दोनों क्लासों को अच्छे से समझ लिया है, रट लिया है, पढ़ लिया है, याद कर लिया है, आई एम डैम श्योर आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा इस डिजीज वाले पोर्शन से। बोलो बात क्लियर है क्या, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लगे रहें पढ़ते रहें मुस्कुराते रहें, थैंक यू।